हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेंबर इनर क्लास जावा में क्या होती है। जी हाँ, मेंबर इनर क्लास, इसको हम लोग सिंपली नॉन स्टैटिक इनर क्लास को इनर क्लास भी बोलते हैं। नॉन स्टैटिक इनर क्लास दैट मीन्स मेंबर इनर क्लास। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं मेंबर इनर क्लास क्या होती। तो फ्रेंड्स, सिंपल, अगर आपके पास एक क्लास है और उसके अंदर आप सिंपल एक नॉन स्टैटिक क्लास बना दो जो कि किसी मेथड के बाहर हो, दैट मीन्स आउटर क्लास के तो अंदर होगी बट किसी मेथड के बाहर होगी, सिंपल नॉन स्टैटिक क्लास, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेंबर इनर क्लास। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ, तो अपने पैकेज पर राइट क्लिक, न्यू पे जाऊंगा और सिंपल एक क्लास बना लूंगा और इसका नाम दूंगा आउटर एग्जाम्पल। ठीक है, आउटर एग्जाम्पल। तो ये हमने एक क्लास बना लिया और ये हमारी आउटर क्लास है। ठीक है, आउटर मतलब बाहर वाली क्लास है। इसके अंदर अगर हम लोग सिंपल एक क्लास बना लेते हैं विदाउट स्टैटिक, ठीक है, क्लास इनर एग्जाम्पल, इनर एग्जाम्पल, तो ये हमारी मेंबर इनर क्लास बन गई। दैट मीन्स ये जो क्लास है वो डायरेक्ट किसी क्लास के अंदर है बट किसी मेथड के बाहर है, किसी मेथड के अंदर नहीं है, तो सिंपल ये नॉन स्टैटिक इनर क्लास होगी। दैट मीन्स ये ही जो हमारी होगी वो मेंबर इनर क्लास भी होगी। ठीक है, तो सिंपल अगर आउटर क्लास के अंदर कोई इनर क्लास है, अब मेथड के अंदर होगी तो वो दूसरी क्लासेस हो जाएंगी, वो मेंबर इनर क्लास नहीं होगी, वो लोकल इनर क्लास हो जाएगी। तो सिंपल मैं बताऊँ, अगर आपके पास आउटर क्लास के अंदर कोई सिंपल क्लास है तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेंबर इनर क्लास, दैट मीन्स सिंपल नॉन स्टैटिक क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बता दूँ, ये जो इनर क्लास, ये वाली जो इनर क्लास होती है वो आउटर क्लास के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। फिर वो चाहे अगर आपने मेंबर कोई पब्लिक बनाया है या आपने कोई मेंबर प्राइवेट भी बनाया है, उसको भी ये एक्सेस कर लेगी। ठीक है, तो मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ। और अगर आपने कोई स्टैटिक मेंबर बनाया है उसको भी ये एक्सेस कर सकती है। मैं तीनों मेंबर को सम करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो हम इसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं इनर क्लास के अंदर, पब्लिक वॉइड डू सम, और हम तीनों वेरिएबल का सम कर देते हैं। तो लिखिए, सिंपली लिखिए एस आउट और लिखिए यहाँ पे सम इस, और तीनों वेरिएबल का हम सिंपली क्या कर लेते हैं सम। तो आप ए को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो क्योंकि ये सिंपल नॉन स्टैटिक वेरिएबल था आउटर क्लास का, उसके साथ ही आप प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकते हो और साथ ही साथ में आप स्टैटिक को भी एक्सेस कर सकते हो। तो जो इनर क्लास है वो ऑलमोस्ट सारे वेरिएबल्स आउटर क्लास के एक्सेस कर सकती है, फिर वो चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, डिफॉल्ट हो या स्टैटिक वेरिएबल्स हो। लेकिन बात आती है अब इस मैम इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग मेन मेथड बनाते हैं और फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने बना लिया मेन मेथड, अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है इस इनर क्लास का। बट इस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट नहीं बना सकते जैसे मैंने स्टैटिक क्लास का बनाया था, न्यू आउट एग्जाम्पल डॉट इन एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि ये क्लास आपके इस क्लास के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये नॉन स्टैटिक मेंबर है। दैट मीन्स ये जो क्लास है वो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होगी, आउटर क्लास के जितने ऑब्जेक्ट होंगे उनके पास ये क्लास एसोसिएटेड होगी। ठीक है, तो आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, दैट मीन्स इनर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ेगी आउटर के ऑब्जेक्ट की, आउटर के ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले कभी भी नॉन स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लीजिए आउटर क्लास का। तो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, लिखेंगे आउटर एग्जाम्पल आउट आउटर इज इक्वल टू न्यू आउटर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के किस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, इस आउटर वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब इस आउटर, ये जो आउटर है ये ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो हमारी हेल्प करेगा आपके इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो सिंपली वेरिएबल का रेफरेंस तो आपको वैसा ही लिखना है, आउटर एग्जाम्पल डॉट इनर एग्जाम्पल ओ बी इज इक्वल टू, अब न्यू डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते, न्यू कॉल करोगे आउटर के रेफरेंस पे। ठीक है, आप लिखोगे आउटर, पहले आपको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद डॉट, फिर न्यू लिखोगे, तो न्यू और न्यू के बाद सिंपल आप इनर एग्जाम्पल लिख दो, सिंपल आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो सिंपल ये ऑब्जेक्ट किसी और दूसरे क्लास की तरह ही बिहेव करेगा। अभी ऑब्जेक्ट ओबी में रखा है इनर क्लास का ऑब्जेक्ट, तो इस ओबी पे इनर क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स कॉल कर सकते हो। तो डू सम हम इस वाले ओबी पे हम सिंपली कॉल कर सकते हैं, ओबी डॉट डू सम कॉल करेंगे। जैसे डू सम कॉल करेंगे तो आपका ये चीज़ हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी
मतलब इन तीनों का सम प्रिंट हो जाएगा। मैं एक बार रन करके आपको सिंपली दिखाता हूँ, ये देखिए तीनों का सम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग नॉन स्टैटिक इनर दैट मींस मेंबर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले आप आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो और उसके बाद आउटर क्लास की हेल्प से आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। इन सारे स्टेप्स को आप एक स्टेप में भी कर सकते हो। तो एक स्टेप में सबसे पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, आउटर एग्जाम्पल डॉट इनर एग्जाम्पल OB1। उसके बाद आप सबसे पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो लिखो न्यू आउटर एग्जाम्पल डॉट, फिर लिखो न्यू और न्यू के बाद इनर एग्जांपल। तो सिंपली ये जो है आपके आउटर क्लास का भी आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने अलग बना के पहले रख लिया था आउटर में। यहाँ पे मैंने सिंपली डायरेक्ट लिख दिया आउटर एग्जांपल डॉट न्यू इनर एग्जांपल। तो ये भी वही काम करेगा, बट ये सिंगल लाइन है और उसमें आपने कई सारी लाइनें लिखी थी। इस पर भी आप क्या कर सकते हो, सेम मैथड डू सम एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप राइट क्लिक करो, रन कर लो, सिंपल आपके इनर क्लास का रेफरेंस यहाँ पे देखिए कॉल हो जाएगा। तो नॉन स्टैटिक इनर क्लास दैट मींस मेंबर इनर क्लास के बारे में कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम ऐसे क्लासेस को मेंबर इनर क्लास बोलते हैं जो किसी आउटर क्लास के अंदर हो और मेथड्स के बाहर हो, ठीक है। इनर क्लास जो होगी वो किसी भी टाइप के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है, फिर हो चाहे पब्लिक वेरिएबल हो, प्राइवेट वेरिएबल हो, या डिफ़ॉल्ट वेरिएबल हो, या स्टैटिक वेरिएबल हो, वो इनर क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है। मैंने यहाँ प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्योंकि ये जो नॉन स्टैटिक इनर क्लास है वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है, तो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए और फिर न्यू कॉल करने के लिए आपको आउटर यहाँ पे यूज़ करिए, या आप डायरेक्ट आउटर क्लास डॉट इनर क्लास OB वेरिएबल है, फिर आप न्यू पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, फिर न्यू तब आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए और फिर उसको यूज़ करिए। तो इस वीडियो में होपफुली आपको मेंबर इनर क्लास दैट मीन्स सिंपल नॉन स्टैटिक इनर क्लास समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग को दो क्लास और डिस्कस करना है। सबसे पहला लोकल इनर क्लास, मेथड के अंदर भी हम लोग क्लास बना सकते हैं, और एनोनिमस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।